वेलकम बैक एवरीवन। ज्योग्राफी का जो 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसका ये सेट नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि विच स्टेट इज नॉन एज, यहाँ पर देखो टाइगर स्टेट, ठीक है ना। तो इनमें से कौन से राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ऑप्शन में यहाँ पर है मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये ध्यान में रखो कि इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, यानी कि मध्य प्रदेश, तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इसी को बोलेंगे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है ना, इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, जहाँ जिसका नंबर यहाँ पर 526। और इसके अलावा यहाँ पर जो अदर स्टेट है ना, यहाँ पर देख ही सकते हो इसका रैंकिंग, कर्नाटक 524। यहाँ पर देखो इससे मात्र दो टाइगर यहाँ पर कम मौजूद हैं। और उत्तराखंड 442 है, तमिलनाडु 229 है, महाराष्ट्र 190, असम, केरल और उत्तर प्रदेश, इस तरह से रैंकिंग है। यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट जो राज्य है ना, जहाँ पर टाइगर मौजूद है, बाकी के पास भी हैं लेकिन ये सब जो है ना मेजर है। तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो कि मिल्की वे गैलेक्सी है ना, आप सभी को पता होगा कि हम लोग का जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। इसको सबसे पहले फर्स्ट सीन बाय हुम, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में है गैलीलियो है, मार्टिन है, यहाँ पर है मार्कोनी है और न्यूटन है, ठीक है ना। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पर गैलीलियो, इसी ने सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी को देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस इमेज में, ये एक ग्राफिक है, ऐसे ये रियल इमेज नहीं होता, ठीक है ना। देखो हम गैलेक्सी का जो है ना रियल इमेज कैप्चर कर नहीं सकते, ये सब ग्राफिक होता है। तो यही कुछ इस तरह का स्पाइरल शेप में अपना मिल्की वे दिखता है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ फाइल बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर पीडीएफ फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन आर्टिफिशियल लेक। लेक को हम लोग हिंदी में झील भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल से क्या मतलब है, इसको हम खुद से बनाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और नेचुरल का मतलब जो कुदरत यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि गोविंद सागर है, चिल्का लेक है, नैनी लेक है और यहाँ पर भीमताल लेक है। तो अगर इनमें से सभी के बारे में आपको पता नहीं भी है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो सेकंड नंबर में चिल्का लेक है, तो ये सभी को पता ही है, तो नेचुरल है, सबसे बड़ा है इंडिया का, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता ना आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नॉट आर्टिफिशियल यानी कि नेचुरल ही है। अब यहाँ पर दो देखो कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर सिर्फ एक में है यानी कि ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आप बिल्कुल कर देना। और बाकी जो है ना 1 और 4, यहाँ पर 2, 3 तो नेचुरल हो गया और यहाँ पर 1 और 4 आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर पूछा है हमसे कि ज्योग्राफी का फादर इनमें से कौन है, ठीक है। यहाँ पर जो एरिस्टोस्थनीज है ना, सबसे पहला नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यही जो है ना ज्योग्राफी के फादर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड। यहाँ पर कह रहे हैं कि अंडर वाटर यानी कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो हम लोग पंप के जरिए अर्थ के नीचे से भी, जिसको बोलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड वाटर, जैसे यहाँ पर मान लो मौजूद है, इसको निकालते हैं पंप के जरिए, और काफ़ी सारा वाटर आपको अर्थ के सर्फेस पर मिल जाएगा, जैसे कि समुद्र हो गया, रिवर हो गया, झील हो गया, ये सब, या फिर बर्फ के रूप में नॉर्थ और साउथ पोल में जमे हुए बर्फ हैं। इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन में यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पर है फिर बायोस्फीयर, यहाँ पर है लिथोस्फीयर और ये है थर्मोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पर हाइड्रो का मतलब ही वाटर ही होता है, तो हाइड्रोस्फीयर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमसे पूछा है कि विच सिटी इज नोन एज परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इनमें से कौन सी सिटी को, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना कन्नौज, बुलंदशहर, यहाँ पर सहारनपुर, यहाँ पर बरेली, तो इनमें से कौन से शहर को परफ्यूम कैपिटल यानी कि यहाँ पर परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा जो है ना अमाउंट में और वैरायटी वैरायटी के परफ्यूम यहाँ पर बनते हैं। तो ऑप्शन में जो सबसे फर्स्ट नंबर है ना कन्नौज, हालांकि यहाँ पर चारों के चारों यूपी के ही यानी कि उत्तर प्रदेश की सिटी हैं, तो यहाँ पर कन्नौज जो है ना, ये कन्नौज वही है जहाँ पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बैटल हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा परफ्यूम यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, ये गुलाब का पंखुड़ी है, इसी से यहाँ पर निकाले जाएंगे इसके रस, फिर बाद में जाके इससे परफ्यूम बनेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि वेयर इज़ द गिनिडी नेशनल पार्क लोकेटेड। यहाँ पर देखो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तो यहाँ पर मिलेगा आपको गिनिडी नेशनल पार्क, ठीक है ना।
नेशनल पार्क का एक खास चीज़ ये है कि वहाँ पर भी जंगल के तरह जानवर एक दूसरे को मार के खाते हैं। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है। चेन्नई में इसका लोकेशन है, तमिलनाडु, और इसका यहाँ पर क्षेत्रफल है ये। और चेन्नई नियरेस्ट सिटी भी हो गया क्योंकि यहीं पर ये मौजूद है और इसको 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट लैंड यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ इंडिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि इंडिया का जो ज़मीन है ना उसका कितना परसेंट हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर 70% है, 45%, 60% और 50% है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना, 60% इतना हम लोग ज़मीन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपका मिलेगा सोलर सिस्टम से। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस, यानी कि टेक प्लेस। अब यहाँ पर जो है ना, इसका मतलब होता है सूर्य ग्रहण, ये कब लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये सन है आपका, ठीक है, ये तो फिक्स है ना, और यहाँ पर अर्थ आपका। जब यहाँ पर इसके बीच में आपका मून आएगा ना, तब यहाँ पर आपका जो है ना सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो, व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, तो यही कंडीशन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इन विच इंडियन स्टेट इज नंदा देवी पीक, ठीक है, लोकेटेड। ये क्वेश्चन हम काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। तो नंदा देवी पीक जो है ना आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। इसको हम जो है ना मैप वगैरह में पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख लो, ये है नंदा देवी का लोकेशन, ठीक है, उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड है, इसके नीचे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और ये हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, और इधर आपको मिलेगा चाइना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, द अजंता केव, यहाँ पर देखो अजंता केव के बारे में आप लोग उम्मीद करते हैं सुने होंगे। विच आर अबाउट 30 रॉक कट, ठीक है, इसमें जो है ना इस केव में यानी कि 30 कट लगे हुए रॉक में, बुद्धिस्ट केव है ये। इसको जो है ना डिस्क्राइब किया गया है कि द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट, और ये बहुत पुराना है, ठीक है ना, पेंटिंग के क्षेत्र में। तो ये कहाँ पर मौजूद है, इसका यहाँ पर लोकेशन देख लो, पुणे महाराष्ट्र है, रत्नागिरी महाराष्ट्र है, यहाँ पर अमरावती, ठीक है, महाराष्ट्र है, और यहाँ पर औरंगाबाद महाराष्ट्र है। तो इसका ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद यहाँ पर मिलेगा आपको इस बुद्धिस्ट केव का लोकेशन। अब इसका एक इमेज देखो, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से, यहाँ पर जो है ना कट एक पहाड़ में जो है ना जो औरंगाबाद में मौजूद है, इसमें लगाकर ये केव को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग फॉल, ठीक है, जोग या फिर इसका एक और नाम है यहाँ पर गेरोसोप्पा वाटरफॉल। अब इसी का नाम एक लीडर के नाम पर रखा गया है, यहाँ पर इनमें से कौन सी लीडर के नाम पर रखा गया रिसेंटली। तो ऑप्शन में यहाँ पर सरदार पटेल वाटरफॉल, राजीव गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल, और यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू वाटरफॉल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर महात्मा गांधी वाटरफॉल, इसका नाम यानी कि जोग फॉल का नाम यहाँ पर महात्मा गांधी वाटरफॉल रखा गया है। हालांकि हम इस जो है ना वाटरफॉल का डिस्कशन पहले कर चुके हैं इसी सीरीज में, वहाँ पर हम इसके बारे में जान रहे थे कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। अब यहाँ पर देख लो इसका इमेज, इसको हम पहले भी आपको शो कर दिए थे उस टाइम पर जहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अगले क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ, यानी कि ठंडी के सीजन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बारिश इनमें से कौन से राज्य में होता है। ऑप्शन में तमिलनाडु है, बिहार है, मिजोरम है, उत्तराखंड है। जैसे मान लो यहाँ पर ये है भारत का नक्शा, ठीक है ना, तो मानसून जो है ना इधर से आएगा आपका, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न घाट से टकरा के ये ऊपर जाएगा और इधर से फिर रिवर्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है ना, इसमें जो है ना विंटर के सीजन में जब रिवर्स हो जाता है यानी कि वापस जब लौटेगा ना वो क्या बोलते हैं मानसून, तब यहाँ पर वर्षा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन में है कि इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से कौन से देश के साथ में इंडिया सबसे लंबा अपना बॉर्डर शेयर करता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन में है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पर बांग्लादेश, इसके साथ में यहाँ पर इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने सारे देश हैं ना पड़ोसी देश, इनके बारे में हम मैप पर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कौन सा बॉर्डर किसके साथ में।
तो यहाँ पर हमारे पास है अपना वर्ल्ड मैप, यहाँ पर हम देखेंगे भारत का लोकेशन, ठीक है, ये अपना भारत है। और इसके अगर हम यहाँ पर पश्चिम में जाएंगे, वेस्ट में, यहाँ पर मिलेगा आपको पाकिस्तान, ये सबसे पश्चिम में सबसे लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में। और यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर ये दिख रहा है आपको, ये है आपका अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर, ये है सबसे छोटा भारत का बॉर्डर किसी देश के साथ में। इसके बाद यहाँ पर लंबा सा बॉर्डर मिलेगा आपको चाइना के साथ में, ठीक है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको ये है चाइना के साथ में यहाँ तक। और यहाँ पर फिर से नेपाल के साथ में बॉर्डर शुरू है, और ये भूटान के साथ में बॉर्डर, और फिर से यहाँ पर चाइना के साथ में बॉर्डर मिलेगा, और इधर जो है ना यहाँ पर मिलेगा आपको म्यांमार देश के साथ में बॉर्डर यहाँ तक। और यहाँ पर देख रहे हो ये बांग्लादेश, इसका जो बॉर्डर है ना ये काफ़ी घुमा हुआ है, यहाँ पर देख ही सकते हो पूरा, इसीलिए इसका बॉर्डर सबसे लंबा भारत के साथ में हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको श्रीलंका, जिसका बॉर्डर हमारे साथ में नहीं मिलता है, यहाँ पर बीच में जो है ना वाटर बॉडी है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखो कपिल धारा फॉल, ठीक है, यहाँ पर देखो कपिल धारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, इनमें से कौन से रिवर पर कपिल धारा फॉल मौजूद है। ऑप्शन में यहाँ पर है तापी, शारावती, इंद्रावती और यहाँ पर है नर्मदा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ना नर्मदा, यहीं पर आपको मिलेगा कपिल धारा फॉल। अब यहाँ पर देखो ये कहाँ पर मौजूद है, आप सभी को पता होगा अमरकंटक जो है यहीं से निकलेगा ये नर्मदा रिवर, और इससे लगभग 6 किलोमीटर दूर सबसे पहला जो वाटरफॉल है ना ये है यहाँ पर कपिल धारा जो मौजूद है नर्मदा रिवर पर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और लोकेशन कहाँ पर, इसका लोकेशन मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, MP मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे बड़ा इरीगेशन का सोर्स इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में यहाँ पर कैनाल, वेल्स या फिर ट्यूब वेल्स, और यहाँ पर अदर सोर्स या फिर टैंक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वेल्स या फिर ट्यूब वेल्स, इससे हम लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पर इरीगेशन का काम करते हैं, यानी कि सिंचाई वगैरह का काम करते हैं इंडिया में। बहुत लोग यहाँ पर कैनाल आंसर करते हैं, लेकिन कैनाल यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वेल्स एंड ट्यूब वेल्स सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा है कि हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ठीक है, ये रेलवे से आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने का बस एक ही मकसद है कि इसकी मदद से हम, इस क्वेश्चन की मदद से हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गेन करने वाले हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये यहाँ पर पूछा है हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा। ऑप्शन में यहाँ पर मुंबई, गुवाहाटी, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर गोरखपुर, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब जो है ना यहाँ पर देखो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखो ये जो है ऊपर में आपका नॉर्थ है, इधर आपका यहाँ पर ईस्ट है, और इधर आपका मिलेगा वेस्ट, और नीचे में यहाँ पर मिलेगा आपका साउथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना ये देखो नॉर्थ, और यहाँ पर ईस्ट में गोरखपुर है यहाँ पर, इसी हिसाब से यहाँ पर देखो ईस्टर्न में कोलकाता आ जाएगा, वेस्ट में मुंबई आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्दर्न में यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सारे जो है ना हेड क्वार्टर आपके सामने मौजूद है, लेकिन इसका हम यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे आप इस मैप को जो है अच्छा आसानी समझ पाओगे। हालांकि अभी जो है ना प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 19 जोन है पूरे रेलवे में, ठीक है, और इसी का यहाँ पर हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, और इसमें जो है मेट्रो रेलवे जो कोलकाता का, इसको भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो जो है ना रेलवे कोलकाता का, ये भी रेलवे के अंदर में आता है, इंडियन रेलवे के अंदर में, लेकिन दिल्ली का मेट्रो अलग है, वो रेलवे के अंदर में नहीं आता है, लेकिन कोलकाता का मेट्रो रेलवे के अंदर में ही आता है। और यहाँ पर आपके सामने ये रहा जो है ना इंडियन रेलवे का सारा जो है ना डिवीज़न, और ये जो है ना ये आपका जोन है, और उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप PDF में अच्छे से देख लेना। और इसका हम यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाकर भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इसमें आप इसको आसानी से देख सकते हो, PDF फाइल इसका आपको मिल ही जाएगा UPSC फिलिक्स पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप इसको देख लेना आराम से। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, माइंड इन द बादाम पहाड़ माइंस, जो कहाँ पर उड़ीसा में है, इनमें से कौन से यहाँ पर जो है ना ओर को माइन किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, उजुराइट है, और यहाँ पर हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर जो डी है ना यहाँ पर हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये जो है ना आयरन का ओर है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, आयरन का, और इसका जो फार्मूला होता है ना Fe2O3, इसका यहाँ पर केमिकल फार्मूला होता है। नीचे देख सकते हो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड कंपाउंड विद द फार्मूला ऑफ Fe2O3 इज वाइडली फाउंड इन रॉक्स एंड सोइल्स। अगले क्वेश्चन में है कि बोंडला,
मोंडला वाइल्ड सेंचुरी इनमें से कौन से जगह पर मौजूद है? ऑप्शन में है कर्नाटक है, त्रिपुरा है, गोवा है और मणिपुर है। आपके सामने जो है ना यहाँ पर दो राज्य आपके मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट के और दो राज्य आपके मिलेंगे साउथ इंडिया के। तो इसका जो लोकेशन है वो मिलेगा आपको गोवा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पर देख ही सकते हो वेलकम टू मोंडला वाइल्ड सेंचुरी, और ये जो है ना काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग काफ़ी घूमने के लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेट इनमें से कौन से राज्य में वेयर इज सांबर लेक लोकेटेड, यानी कि ये एक झील है। और मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर, ये एक सॉल्ट का लेक है यानी कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन होता है यहाँ पर इस झील में। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपके सामने वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश, और लास्ट में यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी जो है ना राजस्थान, यहाँ पर इस झील का इस लेक का लोकेशन है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठीक है सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। और इस इमेज में देखो यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एक पटरी बिछा हुआ है और यहाँ से इसको लोड करके सीधा कारखाना लेकर आता है और वहाँ पर इसको प्योर करके आगे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसमें देखो यहाँ पर जो इंडिया का जो है इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, इनलैंड का मतलब पता ही होगा आपका कि ये जमीन जो है ना समुद्र से कटा हुआ है, और इसका लोकेशन यहाँ पर देख ही सकते हो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में। इस क्वेश्चन में है कि वेयर इज़ द रेलवे स्टाफ कॉलेज यहाँ पर लोकेटेड, रेलवे स्टाफ कॉलेज इनमें से कौन से जगह पर मौजूद है? यहाँ पर ऑप्शन में है पुणे, दिल्ली, बड़ोदरा है और इलाहाबाद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बड़ोदरा, यहाँ पर मिलेगा आपको रेलवे स्टाफ कॉलेज, आपको ये ध्यान में रखना है, रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ द, यहाँ पर कुछ सॉइल्स के आपके सामने नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर आर फॉर्म्ड वाय यहाँ पर सैंड है और सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर एंड सीज वेब्स। तो यानी कि सी और वेब के जो द्वारा या फिर आपका रिवर के द्वारा यहाँ पर जो भी सिल्ट जमा होते हैं या फिर सैंड के द्वारा जो भी यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पर एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग हिंदी में शायद जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बारे में यहाँ पर मैं कुछ लिख दिया हूँ, ठीक है, पीडीएफ के लिए काफ़ी बेहतर होगा। एलुवियल इज अ लूज क्ले सिल्ट सैंड एंड ग्रेवल दैट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर इन द स्ट्रीम बेड ऑन द फ्लड प्लेन। इस क्वेश्चन में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन इज रिलेटेड टू इंडियन ओशियन, यहाँ पर बात हो रहा है इंडियन ओशियन का, तो यहाँ पर वे ऑफ बंगाल मत समझ लेना सिर्फ, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है वे ऑफ बंगाल। तो इसमें जो है अरेबियन सी भी आएगा और नीचे का जितना सारा ओशियन है इंडिया के नीचे सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो आपके सामने तीन ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों है ना, ये तीनों के तीनों इंडियन ओशियन के ही यहाँ पर साइक्लोन है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, आप सभी को पता होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर बड़ा से क्या सेंस, यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ना इसी का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, जैसे ये मान लो यहाँ पर ट्रेन एक रुका हुआ है ना, यहाँ पर मान लो अब इसके आगे में भी एक ट्रेन रुकेगा यहाँ पर, और इसको यहाँ से एंट्री करवाएगा, यहाँ से आएगा इस पटरी से और इसको इधर घुसा देगा, ठीक है। और आगे जाके और सेक्शन बना हुआ है और वहाँ एक और ट्रेन, यानी कि तीन ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म पर लगता है, इसलिए इतना लंबा प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर का। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन है यहाँ पर माटाटीला डैम एक डैम है, इनमें से कौन से राज्य में मौजूद है इंडियन स्टेट? ऑप्शन में यहाँ पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना उत्तर प्रदेश, माटाटीला डैम यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि माटाटीला डैम इज़ अ डैम इन डिस्ट्रिक्ट ललितपुर जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है आपका, और इसको 1958 में बनाया गया था बेतवा रिवर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री या फिर दक्षिणी गंगोत्री, दोनों नाम से जानते हैं इसको। तो ये एक क्या है, ऑप्शन में यहाँ पर देखो रिवर वैली जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है, और दूसरा है अनमैंड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ये नीचे वाला है, ये जो मान लो अर्थ है ऊपर में
आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिक है जो एक कॉन्टिनेंट भी है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है सेकंड सोर्स ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, अभी जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसको यहाँ पर देख ही सकते हो, इसका कुछ डेट यहाँ पर है 26 जनवरी 1984 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक रिसर्च सेंटर था, एक स्टेशन था अंटार्कटिक में इंडिया का, और इसको जो है डीकमीशन कर दिया गया 1990 को। तो इसको काफ़ी पहले ही डीकमीशन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कि द हाइएस्ट एल्टीट्यूड, यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊँचाई पर, जिसका ऊँचाई यहाँ पर है 4411 मीटर, लगभग 4.4 किलोमीटर अबव द सी लेवल इज ऑफ, इनमें से कौन से एयरपोर्ट का यहाँ पर इतना हाइट है। तो ऑप्शन में ये देखो, ये जो इंटरनेशनल क्वेश्चन है यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, और ये है चाइना में मौजूद, और इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ना, ताओचेंग, ये एयरपोर्ट जो है ऑप्शन नंबर सी, यही सबसे ऊँचाई पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो है ना चाइना लोकेशन है, यहाँ पर जो है ना सिचुआन इसका प्रोवेंस का नाम है, इसका एलिवेशन 4411 मीटर है, और इसको जो है ना सबसे पहले 16 सितंबर 2013 को ओपन किया गया था, और इसमें लगभग 2314 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होते रहता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस एक्ट के अंदर में इनमें से कौन से जो है ना जानवर को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर सी जो है ना पोर्कोपाइन, ये एक जानवर होता है, इसको यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं इस एक्ट के अंदर में। इस इमेज में आपको जो है ना अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसके ऊपर में कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है, और इसका शिकार यहाँ पर शेर भी नहीं कर पाते, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर पे कांटे होते हैं, ये इसको फेंक भी सकते हैं दूर। तो यहाँ पर देख लो क्या हाल हो गया इसका, इसका शिकार करते वक्त। और यहाँ पर इस एक्ट के बारे में देख सकते हो कि ये जो 1972 है ना, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज के लिए बनाया गया था इसको। अगले क्वेश्चन है कि विच ऑयल फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इन असम, इनमें से कौन सा ऑयल फील्ड असम में मौजूद नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि दो तीन राज्य जहाँ पर ऑयल्स मिलते हैं इंडिया में, जैसे कि गुजरात हो गया, जहाँ पर जो है ना समुद्र में मिलते हैं ऑयल्स, गुजरात हो गए, मुंबई हो जाएंगे यानी कि महाराष्ट्र हो गए, और आपका असम जो है ना, यहाँ पर जंगल उंगल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो लखीमपुर, ठीक है, नहर काटिया, और यहाँ पर है दिब्रूगढ़। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों असम के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना माला, ये आपका प्रेजेंट असम में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ अगले सेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।